नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2015 में सवाल पूछा गया क्वेश्चन है कि सेटेलाइट एस इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड द अर्थ द मास ऑफ द सेटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ देन चार ऑप्शन दिए हुए हमें हैं हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है पहला है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द इन मैग्नीट्यूड सेकेंड है द एक्सलेशन इज एक्सलेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुअर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ सी uh, है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट चौथा ऑप्शन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है uh, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपका सेटेलाइट है वो एक इलिप्टल ऑर्बिट में अर्थ के अबाउट घूम रहा है हाँ नहीं सो ये मान लीजिए आपका इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है जिसपे अबाउट ये सेटेलाइट आपका घूम रहा है हलटलैट से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है ना इन चारों ऑप्शन को अगर हम कंसिडर करें तो लीनियर मोमेंटम ऑफ रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा ये ऑप्शन सही नहीं है बिकॉज हमें ये पता है इन थ्योरी में हमने पढ़ा है हमने बात की है कि जब आपका सेटेलाइट यहाँ पे होएगा या जब यह सेटेलाइट यहाँ पे होएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू तो यहाँ पे तो मास सेम है इसलिए वेलोसिटी में अगर चेंज आया तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा तो लीनियर मोमेंटम आपका बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज होता है सेकेंड uh, स्टेटमेंट है एक्सोलेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हम ये कहते हैं कि वो आपका लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है लाइन ज्वाइनिंग फोर्स का मतलब होता है कि दोनों के सेंटर ऑफ मास के थ्रू uh, वो आपका फोर्स गुजरता है वहाँ पे वो अप्लाई होता है तो आपका यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो एक्सेलेशन है वो हमेशा जब सेटेलाइट यहाँ पे है और यहाँ पे तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगा एंड हैंस जो यहाँ पे आपका एक्सेलेशन है वो हमेशा दोनों के सेंटर पे पॉइंट करेगा दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है बाकी दो ऑप्शन भी एक बार नजर मार लेते हैं उन पर भी ध्यान देते हैं ऑप्शन नंबर सी कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरी पीरियोडिकली विट टाइम एनर्जी यहाँ पर आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी सो यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है इट सो देट फ्राई वी कैन से ऑप्शन नंबर बी विड बी द करेक्ट आंसर